गाइस नमस्ते जी माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी ठीक है। और आज हम फिर से आ गए हैं पत्तों वाला घास लेने, और बारिश लग गई है गाइस। 10 बज चुके हैं। चार पांच जने हम, बारिश लग चुकी है और हम आज फिर से आ गए हैं बांध को, और बहुत ऊपर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा बारिश लग गई है। और ये देखो गांव से इतने दूर आए हम। बर्फ लगा, बर्फ, और मुझे नहीं, यहाँ पे ऊंट पे कुछ हो गया है। तो भी हम बांध को निकालेंगे, कांजे से निकालेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। जाना यूं पे चलाए जाए ना, फिर गीले नहीं जाना ही ना। ये देखो यहाँ पे काटेंगे हम। गाइस अभी पेड़ से उतर चुकी हूँ और मैं चढ़ी थी ऊपर, मैं कैमरे से दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ से हम नीचे को ये देखिए फेंक रहे हैं, और दीदी पीछे काट भी रही है। और मैं चढ़ी थी ऊपर टॉप में, और इस साइड दो ये अभी यहाँ को फेंक रहे हैं नीचे को। और बारिश भी हो गई है शुरू, ये देखिए। सो गाइस अभी हमने जो है यहाँ पे काट के छोटे छोटे कर दिए हैं अलग अलग, मतलब टहनियों से। तो यहाँ से काटा हमने इस वाले पेड़ से, और दीदी भी अभी अला साथ में पार जैसे। तो अभी यहाँ पे रस्सी रख दी है मैंने, और वो जबरेंगे फटाफट से। बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा हल्की हल्की, ये देखो बारिश। यहाँ पे दीदी बोझा भर के हो गई है रेडी अभी तैयार लेने के लिए। और ये देखिए इधर से हमारा गांव कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे दीदी वगैरह भी है आगे जैसे, ये देखो भर रही है। और यहाँ पे हो गया है मेरा बोझा भी रेडी, ये देखो। अभी हम लेंगे इसको पीठ पे। बारिश बहुत हल्की हल्की है, पर बहुत घनी घनी बारिश है गाइस। पूरा ये गीला हो गया मेरा पूरा डाठू, और सड़क भी पूरी पानी की तरह, पानी के साथ गीली हो चुकी है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के बहुत नज़दीक, गौशाला पहुंचने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरे होंट में ना बहुत दिनों बाद जो है कुछ ना कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, और ठीक भी नहीं होता है, बहुत दर्द होती है, फिंसी टाइप आती है। ये देखिए अभी हम जो है अपने गाँव के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और सड़क देखी ऐसी बारिश नहीं है पर बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। और घास था घर में बहुत, ऐसा नहीं है कि घास खत्म हो गया, पर हम तो ऐसे चले गए थे क्योंकि काम करने वाले बंदों को घर में ना वेले बैठ के अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा जाके आते हैं। पर सुबह बारिश नहीं थी, ऐसे बादल बादल छाए हुए थे, पर अभी ना इतनी घनी बारिश लग चुकी है, पूछो मत गाइस, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, पूरा गीला हो गया ये डाटू मेरा। गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी गौशाला, और मेरी गौशाला ये है जो हरी चादर वाली है, ये मेरे जेठानी जी की है और साथ में मेरी है। और अभी पहुंचने वाले हैं गौशाला, अभी सीधे पशुओं को पानी पिला के घास दूंगी पत्तों वाला, और फिर जाएंगे पुराने घर। और क्योंकि आग भी सेकनी पड़ेगी, बारिश बहुत ज़्यादा है ना। सो गाइस अभी पुराने घर पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे हमने लंच किया सासू जी के घर में, और घी भी खाया मैंने आज के दिन, दिख रही है पीछे। तो भी आग सेक रहे हैं इधर, बाप रे
और यहाँ पे सासू जी बर्तन ढक रहे थे कढ़ाई वगैरह दाल की। तो जी दोस्तों, अभी चल पड़ी हूँ मैं घर, क्योंकि ऊपर मेरे को ठंड लग रही थी तो सोचा घर में जाके रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी मैं चली हूँ शॉर्टकट इधर से, ये देखिए यहाँ पे हुए हैं सरसों, और मंदिर के दूसरी साइड चली हूँ, एक रास्ता मंदिर से ओके भी है। और यहाँ पे जलाई है किसी ने आग, ये देखिए धुआं कर लेने हैं। हाँ, घर में बनाएंगे हम यहाँ पे अखरोट का। अखरोट का बात है, मैंने तो खाना नहीं है क्योंकि मैं आज कुंदी की खिचड़ी। फ्रेंड फाइनली पुराने घर में पहुँच चुकी हो, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अखरोट को तोड़ रहे हैं, और इनके जो बाहर के छिलके हैं इनको मैं चूल्हे में फूंक रही हूँ। तो अभी तोड़ के रख दूँगी, फिर देखते हैं कब बनता है, कल या परसों तक। और ये देखो अभी इतने से हुए, ये इतने अच्छे जल रहे हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया। ऐसे होने चाहिए लोग, भांडे बर्तन साफ करते करते नहीं आई मेरी बर्तन की हो रही धुलाई, बर्तन में पड़ गई काई, बर्तन में जम गई खाई काई काई, मेरी बाई नहीं आई। अब यहाँ पे हनी बना रहे चाय, चाय के साथ हम करेंगे मटर का एंजॉय, ये देखिए मेरी बाई। और यहाँ पे है झोल, और यहाँ पे चाय उबलते हुए, पहाड़ी है पहाड़ी में बात कर रही है, मैं पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है, और ये हनी खुद अपने क्यों रख रहा है, ऐसी बदतमीज बच्चे तो कुछ नहीं मिली। और यहाँ पे दुकान छुपी चाय, यहाँ पे मेरी वैसे गाइज मैं चाय नहीं पीती थी, पर आजकल ठंड में ना मन हो जाता है पीने का कभी कभार। तो मटर वगैरह जैसे होगा घर में खाने के लिए कुछ, तो मज़ा आ जाता है चाय पीने का। चाय पीनी आती नहीं मेरे को, वैसे जब भी चाय पीती हूँ ना अपनी जीभ जला ही देती हूँ, कभी कभार होता है कि नहीं जला पाती हूँ, वैसे मैं जला ही देती हूँ, ठंडी ठंडी चाय पीती हूँ मैं। तो गाइस अभी चाय और मटर का एंजॉय करते हैं, और इवनिंग रूटीन यही है मेरी कॉम मिल्किंग की, और उसके बाद आगे सीधे घर घर में आके डिनर की तैयारी। तो सुबह से शाम तक मैंने आज ये काम किया, और हिमाचली लोगों की लाइफ आप लोगों को पता है कैसी होती है, कभी फटाफट से करते हैं हम चाय और मटर का एंजॉय। बाय 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 गाइस, इधर भी देख के बोल बाय बाय, चाय उबल के मेरी।